तो जैसा कि हमने बात करी थी कि आपका जो जियोलॉजी का टॉपिक है, जो जियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट साथ में ही चूंकि आपका जो जीएसआई का प्री है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, तो उसमें आपका जो जीएस का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, अपने जो नया मॉडिफाइड सिलेबस है 2021 ऑनवर्ड्स, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये जो जीएस का टॉपिक है, उसमें करंट अफेयर्स के जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, सो वो टॉपिक करके है, सो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के तक आप ये मान के चलिए कि अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम चूंकि 17th ऑफ फेब को है, फेब्रुवरी में है, सो आपको दिसंबर तक का, अल्टीमेटली आपको मिड जनवरी और जनवरी का भी करना पड़ सकता है, बट आप दिसंबर तक का मान के चलिए, मिड दिसंबर, सॉरी दिसंबर एंड हाफ जनवरी, ओके, उतने तक का आप मान के चलिए कि आपको, एंड आप अगर लास्ट 6 मंथ्स का, 5-6 मंथ्स का कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स, सो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ओके। अगर आप सपोज करिए फरवरी में एग्जाम है, तो अगर आप सितंबर से लेके अगस्त से 5-6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर लेंगे, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी में से होंगे, ओके। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है दोनों एग्ज़ाम, बट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में क्या रहता है, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है दैट इज़ टू हाई, वो काफ़ी हाई रहता है, बट उसमें तो आपको पूरे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स लेके चलना पड़ेगा, बट अगर आप 2020 का जो पेपर था उसको अगर आप बेस मान के चलो, तो उस हिसाब से मैंने जो एनालिसिस करी तो उसमें ये मिला कि जो 2020 का जो मेंस जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था जीएसआई का, जो जियो साइंटिस्ट एग्जाम का, दैट वाज ऑन द आई थिंक इन द इनिशियल जनवरी, जनवरी में था, सो जो उसमें क्वेश्चंस पेपर थे, जो क्वेश्चंस थे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, सो अगर आप जून से लेकर के 5-6 महीने का क्वेश्चन पेपर, जो 5-6 महीने का करंट अफेयर है वो कर लोगे, तो उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। सो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें से जो नोबल प्राइज है 2020 का, सो वो हम डिस्कस करेंगे आज, ओके। ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये केवल इसी एग्जाम के लिए, सो करंट अफेयर्स जिस भी एग्जाम में जहाँ कहीं कहीं भी करंट अफेयर नाम से टॉपिक है, सो वो हर एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ओके। बट कभी कभी ये होता है, मैं किसी एग्जाम का पेपर देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आएगा तो 2020 का ही आएगा, सपोज करिए जो मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें ये था कि उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, क्वेश्चन था कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसको नहीं मिला है, सो उसमें 4 ऑप्शंस थे, ओके। सो एक ऑप्शन था वो 2020 का था, ओके, सॉरी 2019 का था, उसमें अर्थशास्त्र का नोबेल चूंकि अमर्त सेन सर को मिला है तो वो अमर्त सेन सर का नाम था, सो ये अमर्त सेन बहुत पुराने कब के, ओके। तो करंट अफेयर्स में भी अगर आपको 2019 का क्वेश्चन है, 2018 का कोई जो नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स का, तो वो भी दिया था उसमें, सो इस तरह से आप देखिएगा कि नोबेल प्राइज का जो टॉपिक है या कोई भी करंट का टॉपिक है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हो सकता है वो, सपोज के लिए नोबेल प्राइज जो है वो हर एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, एवरी ईयर अवार्ड किए जाते हैं, ओके। सो उसमें से एक दो पिछले 1-2 साल का और का भी आप नाम केवल देख लीजिएगा कि कौन कौन से नाम में किसको क्या क्या कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी करने में, क्योंकि आप 2020 का ही केवल पढ़ के गए हो, 19 का पढ़ा होगा बट रिवाइज नहीं किया होगा, सो आप एक बार करंट ईयर का और उससे 1 साल पहले का भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ओके। जब पेपर को टफ करना रहता है, अब आप ये तो नहीं कह सकते हो कि वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था, है तो करंट अफेयर्स का ही, बट वो उसमें 2019 का भी है, 18 का भी है, ओके, और उससे पहले का भी क्वेश्चन है, सो उस हिसाब से आप करिएगा उसको। सो पहले जो हम डिस्कस करेंगे तो हम 2020 का ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अवार्ड किसको किसको दिए गए हैं, ओके। सो जो सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट, दैट इज द नोबेल प्राइज फॉर द पीस, ओके, जो शांति का नोबेल प्राइज है वो मिला है, एंड दैट इज नॉट टू किसी पर्सन को नहीं है, दैट इज टू अ फाउंडेशन, वो किसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको हम जो एब्रिविएटेड फॉर्म है WFP, उसको प्राइज मिला हुआ है,
एंड इसको जो किस लिए मिला था, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट द हंगर, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज एंड फॉर एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो जो इसका थीम था वो नहीं इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा। अब इतनी लंदी थीम है तो अगर आपको एक बार आप पढ़े होगे तो अगर एग्जाम में आ भी जाएगी तो आप कर लोगे इसको। ओके, आप जो इसमें याद करने वाला है, जो रिमेम्बर रखने वाला है, दैट इज WFP, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, दैट इज द नोबल प्राइज फॉर द पीस। ओके, नोबल प्राइज इन फिजिक्स, सो नोबल प्राइज फिजिक्स में जो है, सो सबसे पहले आप उसका ये थीम याद करिए कि किस लिए दिया गया है, किस इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए दिया गया है। सो फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। ओके, सो फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, सो वो इसकी थीम थी, या थीम आप कह सकते हो, या टॉप जो सब्जेक्ट कह सकते हो कि किस सब्जेक्ट पे जो डिस्कवरी थी उस वजह से उनको जो नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का। ओके, सो उसमें जो नाम है, एंड्रिया गेज, रॉजर पेनरोस, एज वेल एज द रेनहर्ड गेंजल। ओके, सो आप ये नाम चूंकि सब फॉरेनर नेम्स हैं, सो आप बहुत अवेयर नहीं रहोगे, आप कोई टेक्निक लगा के, कोई ट्रिक लगा के आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अभी हम चूंकि पहले डिस्कस कर रहे हैं, जब लास्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले बचेंगे तो हम उसको किसी ट्रिक की वजह माध्यम से या किसी और टेक्निक की मदद से आपको याद करा देंगे। ओके, आप उसकी चिंता मत करिए, बस ये है अगर आप जनरली याद कर लेते हो नाम को, जल्दी याद कर लेते हो तो वो अलग बात है, कि फिजिक्स का जो है वो गेज, पेनरोज एज वेल एज द गेंजल, इन तीन लोगों को मिला हुआ है। ओके, और थीम जो उसकी है वो फॉर द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। ओके, तो ये उसकी थीम याद रखिएगा। नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, सो नोबल प्राइज इन, हाँ ये भी आप याद रखिएगा कि जो नोबल प्राइज इन फिजिक्स है वो कितने लोगों को मिला है। ओके, या कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब चूंकि जो नोबल प्राइज, सपोज करिए हर ब्रांच का अलग अलग है, नोबल प्राइज फॉर द इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, वैसे जो भौतिकी का नोबल है वो इन तीन लोगों को मिला है। सो भौतिकी के नोबल की जो अमाउंट होगा, जो उसकी प्राइज मनी होगी, वो इन तीन लोगों में ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, सो जो नोबल प्राइज फिजिक्स का है वो तीन लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में मिला हुआ है। ओके, एंड जो केमिस्ट्री का है वो दो लोगों को मिला हुआ है। ओके, इमैनुएल चार पेंटियर। ओके, थोड़े नेम नाम कठिन है, वही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ कोई ट्रिक लगा के या कैसे भी करके याद करिएगा, आप ऐसे याद भी नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई ट्रिक लगा के ही आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एंड जेनिफर ए डॉडना। ओके, डॉडना, जेनिफर ए डॉडना, सो ये इन दो लोगों को केमिस्ट्री का नोबल मिला हुआ है। ओके, और उसकी थीम क्या थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग। ओके, जो जीनोम एडिटिंग के मेथड के लिए, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग, दैट वाज द थीम, या जिस टॉपिक के लिए उनको मिला हुआ है डिस्कवरी के लिए, सो वो टॉपिक जीनोम एडिटिंग का। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि जीनोम एडिटिंग का टॉपिक था, ये उस सब्जेक्ट में मिला, और जो फिजिक्स का था वो सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, जो गैलेक्सी के सेंटर में कोई सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट मिला उसकी डिस्कवरी के लिए मिला। ओके, एंड इसमें जो था, जो केमिस्ट्री का है, दैट इज फॉर द जीनोम एडिटिंग। ओके, नोबल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और द मेडिसिन, या जिसको हम चिकित्सा अंग नोबल कहते हैं। ओके, सो वो आप देखिएगा, हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉग हॉकटन एंड चार्ल्स एम राइस। ओके, जो एल्टर, हॉकटन एज वेल एज द राइस, आप जो
लास्ट के नेम है उनको किसी तरह याद कर ली, कोई ट्रिक लगा के ही याद करिए, कैसे भी करिए, क्योंकि नाम आपको याद। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, अगर आप कोई ट्रिक लगा के नहीं याद करोगे, सपोज करिए एक पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल ऑफ फिजियोलॉजी और द मेडिसिन इन 2020, मीन्स 2020 का जो नोबेल है, चिकित्सा का नोबेल निम्न में से किसको नहीं मिला है। सो अगर आप ट्रिक लगा के नहीं याद करोगे, सो हो सकता है कि आप इन तीनों का नहीं याद करके फिजिक्स का जो जिन लोगों को मिला है उनमें से किसी एक नाम का याद कर लो, तो वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई ट्रिक लगा के ही याद करना। मैं भी देखूंगा कोई ट्रिक के माध्यम से, अगर याद हो जाए, ट्रिक की अप्लाई करके याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन चिकित्सा का है वो एल्टर, हॉगटन एंड राइस, तीन लोगों को मिला हुआ है। अब उसका टॉपिक क्या था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसके डिस्कवरी के लिए। ओके, द नोबल प्राइज फॉर द लिटरेचर, जो साहित्य का नोबल है वो एक ही लोगों को मिला हुआ है। ओके, दैट इज लुइस ग्लुक। ओके, लुइस जी, लुइस ग्लुक करके है। आप ग्लुक करके उससे कुछ मैचिंग करके या उससे कुछ सोच के आप याद कर सकते हो। ओके, ऑब्वियसली आपको एग्जाम में तो किसी न किसी तरह से सही ऑप्शन टिक करना रहेगा। सो आप किसी ट्रिक की वजह से, किसी ट्रिक की कोई ट्रिक बना लीजिए, आप किसी भी तरीके से कोई सी फंडा बना के याद कर लीजिएगा इसको। ओके, और जो बुक का नाम है उनकी, जो बुक है और जो टॉपिक था, सो फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। ये उनकी बुक का नाम कह सकते हो या टॉपिक का नाम कह सकते हो, या ठीक है किस टॉपिक के लिए उनको मिला था। ओके, विद ऑस्ट्रल ऑस्टेयर ब्यूटी दैट मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट यूनिवर्सल। ओके, सो वो उस टॉपिक के लिए उनको नोबेल प्राइज 2020 का, जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है वो मिला। ओके, तो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो एक ही लोगों को दिया गया है। ओके, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है किसी किसी और के साथ, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। ओके, या शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी इसमें। सो लिटरेचर का जो है केवल एक लोगों को मिला हुआ है। ओके, द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक साइंसेस, ओके, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, तो अर्थशास्त्र का नोबल जो है वो दो लोगों को मिला हुआ है, रॉबर्ट वी विल्सन एंड पॉल आर मिलग्रॉम। ओके, सो पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट वी विल्सन, इन दो लोगों को जो इकोनॉमिक साइंस का है, जो अर्थशास्त्र का नोबल है 2020 का, वो मिला है। एंड जो टॉपिक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। ओके, फॉर द इम्प्रूवमेंट टू एक्शन ऑक्शन थ्योरी एज वेल एज द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। ओके, सो आप ऑक्शन फॉर्मेट से या ऑक्शन से कुछ याद कर सकते हो कि थ्योरी जो आपका इकोनॉमिक साइंस का है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है 2020 का, वो मिलग्रॉम एज वेल एज द विल्सन, दो लोगों को कलेक्टिवली मिला हुआ है। ओके, सो ये करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला टॉपिक था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, या जो सबसे फैमिलियर टॉपिक कह सकते हो, जहाँ से क्वेश्चन के आते ही आते हैं। अब उसमें और भी तरह के, इसी तरह के, जैसे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर्स के कोई इंडेक्स, जैसे कई सारे इंडेक्स रिलीज हुआ करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स है, पॉवर्टी इंडेक्स है, या और भी कई सारे इंडेक्स रिलीज होते हैं, जो तो उन इंडेक्स में इंडिया का प्लेस क्या रहा, कौन टॉप पे रहा, कौन बॉटम पे रहा, इन तीन चीज़ों को है। या जो कोई फेस्टिवल है, जो महोत्सव तमाम सारे होते हैं इंडिया में, सो उन महोत्सव में क्या थीम थी, कहाँ कहाँ हुए, या जो डे हैं, जो पर्टिकुलर डे होते हैं ना, कि कई सारे डेज इनके रिमेम्बरेंस में मनाए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डे की थीम क्या थी, या जो पर्टिकुलर जो पर्सनल अवार्ड है, किसी को पर्सनल अवार्ड किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए मिलता है। ओके, सो उन सब सारी चीज़ों को आप मेन फोकस पे रखना, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, किसी को पर्टिकुलर प्राइज मिला हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो आप, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें आप सबको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं।
अगर अब मैं पर्टिकुलर इस जीएसआई के एग्जाम की बात करूँ जो जियोलॉजिस्ट एग्जाम का प्रिलिमिनरी है 2021 का, तो उसमें ऑब्वियसली आप लास्ट ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ओके आप मुझे याद है 2021 में उसमें एक क्वेश्चन शायद इंडेक्स से भी रिलेटेड था, और जो जो सैन अभ्यास होते रहते हैं, ओके जो एक्सरसाइज जो सोल्जर्स एक्सरसाइज होती रहती हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कि ये उसका कुछ नाम दिया रहता है कि ये मिशन या जो अभ्यास है वो किन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हुआ, आर्मीज ऑफ टू कंट्रीज, तो उसके नाम दे दिए जाते हैं। जैसे अभ्यास सूर्य किरण लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था सोल्जर्स के बीच में, तो उससे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की अप्रोच रख के आप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो उसको आप उस तरह से करिएगा। ओके जो सिविल सर्विसेज को आप मत करिएगा, सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका लेवल हाई रहता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो 2020 का क्वेश्चन था उसके पेपर से हिसाब से मैं बताऊँ तो लेवल नीचे था एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। ओके सो आप किसी मैगजीन के पर्सपेक्टिव, किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बट आप अपने सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आप किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, या किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, किसी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके सो इसी तरह के और क्वेश्चन मैं ले आऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके।